अरे 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 क्यों बेटे, इंटरव्यू हो गया ना? हो गया पापा। सीट मिल गई ना? हाँ मिली। गौरी शंकर की बेटी हो? अरे तुम्हें नहीं तो किसे देंगे? मैं आपकी बेटी हूँ, कॉलेज में कोई नहीं जानता। मेहरबानी करके मालूमत होने दीजिए, मुझे नंदिनी बनकर ही पढ़ने दीजिए। देखा, ऐसी होनी चाहिए वारिस। इतनी सी थी तब से मेरा बैकग्राउंड नहीं चाहती। तुम जाओ बेटी, जाकर नाश्ता कर लो, जाओ। हाँ पिताजी की तबीयत कैसी है? अरे माँ, मैं हर वक्त वहाँ आना चाहती हूँ। तुम जानती हो नमाइन के बारे में? कौन है माँ? नानी माँ है क्या? ये लो, नानी से बात करो। नानी माँ कैसी हो? तू कैसी है बेटी? मैं बहुत अच्छी हूँ, कॉलेज में मुझे सीट मिल गई है नानी माँ। ये बात है, कल से कॉलेज में बिजी हो जाऊंगी। नाना जी है क्या? नहीं है बेटी, अभी कहीं बाहर गए, अभी आते ही होंगे। माँ हाँ? वो आ गए, मैं बाद में फोन करती हूँ। तेरी तो, तू जूनियर है, सीनियर से टक्कर लेता है। 95, 96, 98, 99, 100 क्या है? चल बे, न्यू एडमिशन है क्या? हाँ तो। अरे देख, ये तो शिवा फिल्म के नागार्जुन जैसा लगता है ना। ऐसे लगता है भाई। अरे कॉलर तो खड़ा कर ले, और अच्छा लगेगा। ए पैंट उतार। तुम्हारी भाई, एक मिनट अभी उतारता हूँ। रवि इसको ले जाकर एक घंटा लेटरिन में बिठाओ। अरे भाई ऐसा मत करो, मैं वहां नहीं बैठ सकता। उतारना। टैंटिक्स टाइट फिट। अरे इसका सामान भी बड़ा भारी है यार। ए तू साइड हो जा। हेलो, न्यू एडमिशन है या? ये लड़की बिल्कुल माधुरी जैसी लगती है ना। रिबॉक शूज, किलर जींस, टाइटन वॉच और ब्रा। ब्रा कौन सी कंपनी की ये तो बता दे। तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। क्या बोला? तेरी बहन जो पहनती है ना, उसी कंपनी की। कितना घमंड है तुझे, कॉलेज में अभी अभी नया नया। अरे विकी, विकी क्या हुआ? अरे विकी, विकी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो एक घंटे में मर जाएगा। आप आइए। आज से यार इसी क्लासरूम में एक साल तक चलना पड़ेगा। छी छी। हाय हाय, हम नीलिमा नंदिनी। डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजू। पर लगते हो काजू। शट अप। पहले आप अटेंडेंस लीजिए सर। क्यों? प्रेजेंट कहकर भागने के लिए? आज तो कॉलेज का पहला दिन है ना सर। तो फिर कल से क्या करोगे? ये आप खुद देख लीजिएगा सर। ओहो ये बात है। हाँ आप अपने नाम बताओ। दीपक कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उन्होंने मुझे बोला है। मैंने भी उनको ही बोला है, तुमको नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी संस्कृति संप्रदाय को। सॉरी सर, मैं चेकिंग समझा था। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है तुम ही बोलो। डियर स्टूडेंट। बाप रे, अभी तक तीन बार बोल चुके हो, आगे तो बोलिए। सुनो या ना सुनो, मुझे जो बोलना है मैं बोल कर रहूंगा, तुम बीच में मत आओ। तुमसे भी कोई नहीं बोलेगा, सब चुपचाप सुनो। हर साल की तरह हमने इस साल भी अपने कॉलेज में फ्रेशर्स डे मनाने का प्रोग्राम बनाया है। उसमें कहानियां, कविताएं, ड्रामा, गाना बजाना, खेल कूद सब कुछ रहेगा। जिसको इंटरेस्ट हो ऑफिस में नाम लिखाए, इसको नहीं मुझे। नाउ योर रनर। हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से रात और दिन एक करके, सुबह शाम तकलीफ सह के और अपना खून पसीना बहाकर, बिना खा पिए भूखे पेट रहकर हम सब लोगों को उन्होंने आकर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। और आप इसे नाटक ड्रामा कह करके हमारी जिंदगी से खेलना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमारी फीस हजारों हजार हसम करके एक दिन भी हमें ढंग से पढ़ाए बिना ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ऐसा झूठा विश्वास देकर आज क्लासरूम में आकर हम लोगों को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। बहुत अच्छा किया रामनाथ जी, इससे हम लोग फ्रेशर्स डे के दिन मिमिक्री का प्रोग्राम करवाएंगे। अरे तू कैसे यहाँ आ गया? तुझे सीट किसने दी? मैंने दी है। आपने? फिर मेरे दस्तखत? तुम कोई कमिश्नर हो जो तुम्हारा दस्तखत चलेगा? मैंने अंगूठा लगा दिया है। आप हर जगह इसे अपना अंगूठा नहीं लगा सकते। उसने 10,000 दिए थे, तुम्हारे लिए 5,000 की अंगूठी बनवाई है। जिन्हें इंटरेस्ट है ऑफिस में आपका नाम दे सकते हैं। पहले भी बोल चुके हो ना, अब चलो। भाई यही है वो। हाँ जी, लगता है वो लोग हमें टपकाने आए हैं, चलो भाग चलते हैं। तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अच्छा, गाड़ी फुल रेस में रखना। ओके।
किसको मारने के लिए बुलाया गया? एक ही मार में मजा आएगा बेटा। छोटे, तुझे देखकर मारने का मन नहीं करता। मेरे आदमी को सॉरी बोलकर खामोश निकल ले। नहीं बोलूंगा। ये देख मसल, देख मेरे, रोज का 18 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 28 अंडे खाता हूँ और कुछ नहीं करता, मसल डालूंगा। मेरे आदमी को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। ये मेरा ताई, देख तू मेरे ताई जितना है, मर जाएगा। चल अब चुपचाप सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल, मेरे आदमी को सॉरी बोल दे। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। तेरा गुंडों से क्या काम? कॉलेज में दादागिरी करना चाहता है क्या? ए, हमारे ऊपर कोई हाथ न डाली इसलिए हमें एक होना चाहिए, पर हम आपस में लड़कर इन गुंडों को अंदर बुलाते हैं। अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो जान ले लूंगा तेरी। Excuse me, I'm sorry. मेरी वजह से ये सब हो गया ना, आप इसे भूल जाइए। एक 500 रुपए उधार मिलेंगे। किस लिए? इस साइलेंसर की बात पापा जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, रिपेयर कराने के लिए। ओके 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 लीजिए। सीएम पीएम बनने का न ख्वाब मैं देखूं, यूके यूएस जाने का न सपना मैं देखूं। गंगूबाई, हाँ शायद जीतू आ गया है, जाकर पानी गर्म कर दो। अच्छा मलकिन,
बंदिशों में रहना कभी ना मैं चाहूं मस्ती से। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, सर्फ में डालो या एरियल में डालो, शर्ट चकाचक चमकनी चाहिए। भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। जरा रुकना, ये डाके से है? दीदी वो जीतू का किसी से? सच बता, पापा की मेहनत को देखकर जीतू कोई मोटर गैरेज में काम कर रहा है ना, सच बोल। तो बोल क्यों नहीं रहा है? दीदी माँ का दिल क्या होता है तुमने एक शब्द में कह दिया है, तुम जैसा सोचती हो वैसा हीरो नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो। क्या दीदी तेल में बनाया है, घी में नहीं बना सकती थी क्या? अरे घी में नहीं, तेरे लिए घास पे बनाना चाहिए। सॉरी जीजा जी, मैंने आपको आते नहीं देखा। ये क्या पढ़ रहा है तू? स्टार डस्ट। कौन सा डस्ट? स्टार डस्ट। इसे पढ़ने के बजाय कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता तू? पढ़ू तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलेंगे तो अच्छी रैंक मिलेगी। हाँ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मिलेगी तो तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। अब मैं कैसे जी रहा हूँ?